दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ और अभी तेज मूसलधार बारिश हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायगोनल स्केल के विषय में। किसके विषय में? डायगोनल स्केल के विषय में। यह एक प्रमुख औजार है भूमि पैमाइश का, इसको तो आपको जानना ही होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको एक कुशल अमीन बनना है, कुशल सर्वेयर बनना है, तो आपको भूमि पैमाइश का हर औजार का सही जानकारी, सटीक जानकारी होना चाहिए और उसका प्रयोग कहाँ पर करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल जानकारी भी होना चाहिए। मैं जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक बताने का प्रयास करता हूँ कि आप इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, नक्शा है, नक्शा में बताएंगे कि भाई हम डायगोनल स्केल का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्लियर। तो आपको सभी औजार का सही जानकारी, सटीक जानकारी रखना है ताकि आप एक कुशल अमीन बन सकें, क्योंकि एकदम पॉइंट पॉइंट से भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर एक पॉइंट भी अगर आप गलत मापी किए नक्शा में, तो फिर जमीन पर एक कड़ी, दो कड़ी, चार कड़ी का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर जानकारी होना चाहिए हर औजार का, क्लियर। और डायगोनल स्केल के विषय में तो जानना ही होगा आपको। मैं बता देता हूँ कि आजकल के जो अमीन होते हैं वो डायगोनल स्केल का नाम भी नहीं सुने, केवल गुनिया जानते हैं और केवल नक्शा, और उनके हाथ में एक जरीब रहता है, बस तीन चीज़ है, जमीन मापना प्रारंभ करते हैं और कितना माप रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, हर औजार का अपना अपना मतलब होता है, अपना अपना मतलब होता है। केवल गुनिया, केवल नक्शा और केवल जरीब से ही काम नहीं चलने वाला है आजकल। आपको हर औजार का सही जानकारी होना चाहिए। हम क्या बताएं आपको कि हर औजार का अपना अपना मतलब होता है, इसका भी कुछ अपना मतलब है। अगर हम कंघी के विषय में पढ़ेंगे तो कंघी का भी अपना मतलब है, अगर टोक के विषय में पढ़ेंगे तो टोक का भी अपना मतलब है, मतलब उसका यूज है, वो काम को आसान बना देता है, काम को आसान बना देता है। हाँ, आप जमीन मापी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुनिया नक्शा जरूरी से मापी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये सबका जानकारी अगर आपके पास रहेगा तो आप एक कुशल अमीन बन जाते हैं। जो काम वो अमीन एक घंटा, आधा घंटा में कर रहा है, वो काम को आप 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में ही कर देंगे। ये कैसे संभव होगा? जब आपके पास ज्ञान भरपूर रहेगा तब, क्लियर। नहीं तो ज्ञान अधूरा होने से होता क्या है कि जो मापी करवाने के लिए आपको ले गया है वही आपको समझाने लगेगा। तब बताइए, एक अमीन सम्मानजनक व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, उसको ही कोई समझाएगा कि ऐसे मापी कीजिए, वैसे कीजिए, तो थोड़ी ना समझेगा। हाँ, वो समझ सकता है जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज कम हो, ठीक है, और जमीन मापने के लिए चल दिया है। नॉलेज अगर आपके पास भरपूर है, अगर कोई फरमाइश भी कर रहा है, आपको बता रहा है, निर्देशित कर रहा है, तो वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये आप तुरंत पकड़ सकते हैं, क्लियर। ये संभव तभी हो सकता है जब आपके पास ज्ञान भरपूर होगा, क्लियर। चलिए, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, बात करेंगे आज हम डायगोनल स्केल के विषय में। डायगोनल एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण का नाम आप सुने होंगे, जैसे कि मान के चलिए कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज में इस पॉइंट से लेकर अगर हम इस पॉइंट तक हम रेखा खींच देते हैं तो इसी रेखा का नाम क्या है? विकर्ण। या फिर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, यानी कि एकदम जो सम्मुख कॉर्नर होते हैं, खींच देते हैं एक रेखा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल या फिर विकर्ण। तो उस डायगोनल का कहीं ना कहीं यहाँ पर इस स्केल को बनाने में प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका नाम डायगोनल स्केल रखा गया है। आपको समझ में आ जाएगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, और डायगोनल जैसा यहाँ पर कुछ चीज़ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये जो डायगोनल स्केल है, एक्चुअली यह पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। लेकिन आपको लोहा का भी मिल सकता है, आप इसका सोना का भी बनवा सकते हैं, चांदी का भी बनवा सकते हैं, लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं वो अधिकतर पीतल का बनाते हैं। केचकड़ा का भी हो सकता है, मतलब किसी भी धातु का हो सकता है, क्लियर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर 90% पीतल का डायगोनल स्केल ही प्रयोग किया जाता है। मेरे पास भी पीतल का ही डायगोनल स्केल है, क्लियर। चलिए, अब समझ गए इसका क्या, किस तरह से बना हुआ है, हम आपको ला कर दिखाते हैं कहाँ पर गया। ठीक है, दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है डायगोनल स्केल, देख सकते हैं, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, देखिए यही है डायगोनल स्केल। इसी चीज़ को हम क्या किए हैं, यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं, बड़ा कर दिए हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आवे। और ये डायगोनल स्केल अगर अभी आपके हाथों में होगा तो फिर बहुत मज़ा आएगा समझने में, पढ़ने में, क्लियर। आप कचहरी में जा करके, कचहरी में आसपास में ऐसे दुकान होते हैं, कचहरी जहाँ पर कोर्ट कचहरी रहता है, उधर आसपास की दुकान में ही मिलता है ये सब चीज़ें, ठीक है, सब जगह आपको मिलेगा नहीं, खास दुकान में ही मिलेगा, क्लियर।
चलिए, तो इसी के विषय में बता रहे हैं, जो स्केल रहता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसी स्केल इतना लंबा रहता है एकदम एग्जैक्टली क्लियर। स्केल का अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो स्केल बेसिकली 6 इंच का ही होता है, लेकिन आजकल तो लंबा लंबा स्केल भी निकलने लगा है, ठीक है, 10 इंच 12 इंच का। चलिए, अब इस डायगोनल स्केल का जो लंबाई है वो है 6 इंच। कितना है? 6 इंच। याद रहेगा डायगोनल स्केल का लंबाई कितना है? 6 इंच। और अगर चौड़ाई का बात करें तो ये है 2 इंच। कितना है? 2 इंच। इसके पहले हम आपको जरीब के विषय में बताए हैं। अच्छा, जरीब यानी कि चेन, अगर चेन को हम पूरा खोल देंगे, पूरा लंबा कर देंगे, ठीक है, तो वो कहलाता है एक जरीब, और एक जरीब में होता है 100 कड़ी, 100 कड़ी उसमें लगे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक जरीब। और अगर हम फीट में मापे तो होता है 66 फीट, गज में होता है 22 गज, बीता में होता है 88 बीता, हाथ में 44 हाथ, मीटर में 20.12 मीटर। ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, एकदम मुख से निकलना चाहिए सब चीज़ें, क्लियर, एकदम याद होना चाहिए। चलिए, अब वो चीज़ का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा हल्का सा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्लियर। और गुनिया के विषय में हम आपको बताए हैं, गुनिया कितना लंबा होता है? 2 इंच का लंबा होता है। अब यहां पर देखिए, जो डायगोनल स्केल है ये है 6 इंच लंबा, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हुआ। देखिए, यहां से लेकर यहां तक है 6 इंच। ऐसा नहीं कि यहां ये वाला जो छोर दिख रहा है, छोर से लेकर के वहां तक है, नहीं, छोर नहीं देखा जाता है, देखा जाता है कि वह कहां से मेजरमेंट उठाया गया है, उसका लंबाई कितना है? 6 इंच है। कितना है? 6 इंच है, क्लियर, यहां तक। चलिए, अब इस 6 इंच को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, मतलब ये वाला होगा 2 इंच, ये वाला कितना होगा? 2 इंच होगा, फिर ये वाला भी 2 इंच होगा, ये वाला भी 2 इंच होगा, सिंपल सी फंडा है। और इसको ध्यान में रखना कि पूरा लंबाई कितना इंच का होता है? 6 इंच का होता है, और चौड़ाई का बात करें तो 2 इंच का होता है। अब 2 इंच कहाँ से कहाँ तक है, इसको भी ध्यान में रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और ये ऊपर में जो बनाया गया है, ये छोटा सा गुनिया बनाया गया है, छोटा सा नहीं, एक तरह का गुनिया ही है ऊपर में। अगर आपके पास गुनिया नहीं है, आप कहीं ज़मीन मापी करने के लिए गए हैं, गुनिया घर में छूट गया है, तो आप डायगोनल स्केल का प्रयोग करके भी उस ज़मीन का मापी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गुनिया जैसा भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर गुनिया नहीं है तो आप ये वाला जो खंड देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे खंड है, उस खंड का प्रयोग करके भी मापी कर सकते हैं, इसी के लिए ये बनाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। और जहां भी डायगोनल स्केल का हम बात करेंगे तो हाथ में एक प्रकाल होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाल से ही काम होता है डायगोनल स्केल में। हम बताएंगे आपको कि प्रकाल से हम डायगोनल स्केल में कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए, इसके हम फॉर्मेशन, इसके बनावट के विषय में जान लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ऊपर वाला गुनिया है, थोड़ा सा गुनिया के विषय में ही बता देते हैं। ये कौन सा गुनिया है, इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, यहाँ से 0 0 है, 0 के बाद में 2, मतलब बीच में कहीं 1 होगा। देखिए, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 हुआ, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ। और एक जो गुनिया होता है वो होता है 10 जरीब का, यानी 1000 कड़ी का, 10 जरीब का होता है, पता है कि नहीं है? 2 इंच में कितना होता है? 10 जरीब होता है। अगर 16 इंच में होता है कितना? 1 मील, मतलब कि अगर 80 जरीब तो 2 इंच में होगा 10 जरीब, ठीक है। और ये जो डायगोनल स्केल है, ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर ही बना है, इसको भी हम समझा रहे हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर ये गुनिया है तो ये गुनिया भी 16 इंच बराबर में 1 मील के पैमाना पर बनाया गया है। अब ये कौन सा गुनिया है भाई, इसमें एक जो छोटा वाला खंड होगा वो कितना कड़ी का होगा, ये कैसे जानेंगे? सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे भाई बीचों बीच कहाँ पर सेंटर है, ये वाला देखिए बीचों बीच सेंटर है। अब देखेंगे कि भाई 1 इंच में कितना खंड किया गया है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा वाला खंड 1 है 2 3 4 5, बड़ा वाला 5 खंड किया गया है, और हर बड़ा खंड 5 भागों में बांटा गया, यानी कि 5 5 25 खंड टोटल किया गया है। कितना खंड किया गया है? 1 इंच में 25 खंड किया गया है, मतलब ये वाला कौन सा गुनिया है? 25 0 गुनिया है, या फिर 0 25 गुनिया है। अगर 0 25 गुनिया है तो इसमें एक जो छोटा वाला खंड होगा वो कितना कड़ी का होगा? 20 कड़ी का होगा, 25 0 गुनिया है। 50 0 गुनिया में 10 कड़ी का होता है एक खंड, क्लियर, ये सब बातें आपको समझना होगा। चलिए, और ये जो डायगोनल स्केल है या फिर गुनिया, जितने भी औजार हैं, वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर ही बनाए जाते हैं। मतलब 16 इंच चलेंगे हम नक्शा में तो ज़मीन में हमें चलना पड़ेगा 1 मील, यानी कि 80 जरीब चलना पड़ेगा, 80 चेन दौड़ाना पड़ेगा, क्लियर, समझ में आ रही बात?
स्केल के विषय में आपको बता दिए हैं, मतलब कि पैमाना के विषय में, पैमाना का जानकारी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि पैमाना आखिर है क्या। क्लियर, हम आपको बता चुके हैं, उदाहरण भी दे चुके हैं कि भाई इतना बड़ा जमीन है, पूरा इंडिया है, अब इंडिया इतना बड़ा कोई नक्शा तो नहीं बनाया जाएगा, कोई पैमाना के आधार पर हम क्या करेंगे, नक्शा में उस चीज़ को दर्शा देंगे। या फिर कोई गांव है, गांव में बहुत सारा ज़मीन है, बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन है, उसको हम छोटा रूप दे देंगे और एकदम एग्जैक्ट रूप देंगे और वो पैमाना के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्लियर, चलिए अब देखिए मेन फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ, इसको समझिए बारीकी से। इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, समझ गए होंगे, गुनिया के विषय में तो आपको हम पहले बताए ही हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2 इंच है। अब 2 इंच में क्या कीजिए, 10 खंड बना दीजिए, 10 खंड। तो 10 खंड बनाने के लिए चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 1 खंड ये वाला हुआ, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 7, 8, 9 और 10 खंड हो गया, ठीक है, देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 खंड हो गया। नीचे भी क्या करेंगे हम लोग, नीचे भी 10 खंड कर देंगे, नीचे भी 10 खंड कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 खंड हुआ, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड, 8 खंड, 9 खंड, 10 खंड। अगर 10 खंड है और यहाँ पर 2 इंच का है, मतलब एक तरह से एक गुनिया ही है। अब गुनिया कितना जरीब का होता है, 10 जरीब का होता है, और 10 बराबर खंड है, मतलब कि एक जो खंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक जो खंड आपको दिख रहा है कहाँ गया, वो कितना जरीब का है, 1 जरीब का है, 1 जरीब का है, 1 जरीब ये वाला, 1 जरीब ये, 2 जरीब हुआ, 3 जरीब, 4 जरीब, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जरीब का है। या फिर ऊपर से काउंट कीजिए, 1 जरीब, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 जरीब का है, ठीक है, मतलब कि गुनिया के बराबर है। अब यहाँ पर इधर से भी क्या किया गया है, इधर से भी पार्टीशन किया गया है। अब देखिए इस लाइन में देखिए, इसको भी 10 पार्ट में हम बांटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पार्ट हो गया। अब इधर भी 10 पार्ट करेंगे, क्लियर, या तो फिर यहाँ पर आप चले जाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 पार्ट कीजिए, यहाँ से लेकर के भी यहाँ तक कितना है, 2 इंच का ही लेंथ है, 2 इंच का, क्लियर। तो जब पार्ट करेंगे तब क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा एकदम पहले खींच लेंगे, सीधा सीधा पहले क्या करेंगे हम, ऐसे करके खींच लेंगे पूरा, तो 10 खंड हो जाएगा ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। अब कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम जो है सीधा नहीं खींचेंगे, तिरछा खींचेंगे, डायगोनल जैसा खींचेंगे, तिरछा, क्लियर, इसीलिए इसका डायगोनल नाम पड़ा है। देखिए तिरछा कैसे, ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअली सीधा ये वाला पॉइंट आ रहा था, लेकिन इस पॉइंट को क्या किया गया है, देखिए इस पॉइंट में मिला दिया गया है, देखिए थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, फिर इस पॉइंट को यहाँ मिला दिया गया है, इस पॉइंट को यहाँ मिला दिया गया, इस तरह करके जब मिलाया गया है तो एकदम डायगोनल जैसा हो गया, तिरछा जैसा यहाँ पर लाइन खींचा गया है, क्लियर। अब इस तरह से खींचा गया तो यहाँ पर बहुत सारे खंड बन गए, देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 खंड है ऊपर में, इधर से भी 10 खंड, यानी 10 दहाइयाँ, टोटल यहाँ पर 100 खंड है। हालांकि अगर आप केवल खंड को गिनेंगे तो 110 खंड हो जाएगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला, ये यहाँ एकदम तिरछा जी धीरे धीरे बड़ा हो गया है, फिर यहाँ बड़ा से धीरे धीरे तिरछा छोटा हो गया है, एक्चुअली इसको हम एक खंड में ही गिनती करते हैं, क्योंकि इधर ये वाला जो है उठा करके और इधर वाला उठा करके जब जोड़िएगा, जैसे कि ये वाला हम इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से है, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला, ये जो तिरछा आया है खंड, इसको हम थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, इस तरह से है ये, इस तरह से है, क्लियर, तिरछा नहीं खींचा गया, तिरछा तिरछा ऐसे करके है, सॉरी ये ऐसे है, क्लियर, ऐसे है, और ऊपर में क्या है, ये ऊपर में ही ऐसे है, और ऐसे एकदम यहाँ पर जीरो हो गया है, यहाँ पर जीरो हो गया है। अगर ये दोनों को मिला देंगे तो किस तरह से बन जाएगा, अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे ऐसे करके तो ये इसी तरह से बन जाएगा, एकदम सीधा सीधी, जिस तरह से इन लोग हैं सीधा सीधी, उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधी बन जाएगा, क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो अगर आप खंड को गिनेंगे तो 110 खंड होगा, लेकिन अगर हम इस तरह से मिला दें, इधर वाला जो बचा है और इधर वाला जो कॉर्नर में जो बचा है मिला देंगे, तो उसमें भी कितना खंड होगा, 10 ही खंड होगा, इसीलिए हम लोग 100 खंड ही मान लेते हैं, और हर खंड 10 डिसमिल के अप्रोक्सीमेटली होता है। चलिए अब 10 डिसमिल के बराबर क्यों होता है, देखिए यहाँ पर समझिए इसको बारीकी से।
अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 जरीब है तो एक वाला कितना होगा, एक जरीब का होगा। अगर ये वाला एक जरीब है तो इधर से अगर ये वाला भी दो इंच है भाई, इसको भी 10 बराबर खंडों में बांटा गया है, तो यहाँ भी दो पॉइंट के बीच में एक जरीब ही होगा। मतलब हर खंड आप जो देख रहे हैं वो एक जरीब लंबा, एक जरीब चौड़ा, ठीक है, एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा है, एक जरीब लंबा एक जरीब चौड़ा यहाँ पर खंड बनाया गया है, हर खंड। क्लियर? अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से फॉर्मेशन इसका हो गया, बनावट हो गया, और आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ का, मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर क्या है, जीरो है। अभी यहाँ पर जीरो में क्या किया गया, एकदम सीधे उठा करके इस पॉइंट से मिला दिया गया। अब यहाँ से जीरो से जब चलना प्रारंभ किए हम तो यहाँ आ गए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, एक जरीब है। अरे भाई यहाँ पर जीरो था, अब एक जरीब हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, एक जरीब हो गया, मतलब 100 कड़ी हो गया। इसका मतलब कि हर खंड में 10 कड़ी बढ़ा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से यहाँ आएँ तो 10 कड़ी यहाँ बढ़ा होगा, फिर यहाँ आए तो यहाँ पर 20 कड़ी बढ़ा, मतलब 20 कड़ी हो गया होगा, यहाँ पर 30 कड़ी हो गया होगा, यहाँ 40 हो गया होगा, यहाँ 50, यहाँ पर 60, 70, 80, 90, 100, तभी यहाँ पर 100 कड़ी हुआ है, मतलब कि एक जरीब हुआ है। यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एकदम एक जरीब है, कन्फर्म है, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट में हम 10 भागों में बांटे थे तो एक भाग एक जरीब का था, क्योंकि टोटल 10 जरीब का है तो एक खंड कितना होगा, एक जरीब का होगा। लेकिन इसको तिरछा करके यहाँ एकदम शून्य पर लाकर मिला दिए हैं तो होगा क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी है तो यहाँ से यहाँ 90 कड़ी होगा, यहाँ 80, यहाँ 70, यहाँ 60, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ 0 हो गया, इस तरह हो गया। तो इससे क्या बेनिफिट होगा भाई, बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी हम आपको बताते हैं कि क्या बेनिफिट है, तो इसके विषय में आपको लगता है समझ में आ गया होगा भाई किस तरह से बनावट किया जाता है। देखिए ये प्रकाल है, अब इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं। ये प्रकाल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नक्शा में माप करके देखेंगे कि भाई नक्शा का लंबाई या चौड़ाई कितना है। देखिए चलिए हम इस नक्शा को लेते हैं, देखिए इस नक्शा को चलिए प्रकाल की मदद से देखें कि भाई इधर रोड के तरफ में कितना इसका आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मिला दे, चलिए इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, आप एग्जैक्टली मापिएगा, ऐसे हड़बड़ी में नहीं मापना है। क्लियर? इतना आया, प्रकाल को इतने ही पर रखे हुए हैं। अब देखेंगे इस प्रकाल की मदद से यहाँ पर मिला करके देखेंगे भाई कहाँ पर आता है, ये कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर चलिए थोड़ा सा मिलाने वाला कहाँ से प्रोसेस में लाएँ, चलिए यहाँ पर करते हैं तो ये चीज़ अच्छा, यहाँ पर से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, चलिए यहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, ये वाला कोई सीध लाइन लेना है, सीध लाइन लिए देखेंगे भाई कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो देख रहे हैं कि हल्का सा ज़्यादा है, अगर यहाँ पर गए तो देखिए यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली मिल रहा है, देखिए एग्जैक्टली मिला। अब एग्जैक्टली मिला मतलब इस लाइन, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो सीधा वाला लाइन है वहाँ से मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, 210 कड़ी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 100 कड़ी, एक जरीब, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, तो दो जरीब हुआ, और 10 कड़ी और बढ़ रहा है, 10 कड़ी यहाँ पर बढ़ रहा है, जैसे हम इस लाइन में जाएंगे 10 कड़ी, अगर ऊपर में आता तो 20 कड़ी हो जाता, 30 कड़ी होता, 40 हो जाता, 50 हो जाता है कि नहीं, अगर मान के चलिए इतना आ जाता, इतना, अब इतना में देखते भाई यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर माफी करने पर देखिए यहाँ आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हुआ, फिर यहाँ से दो जरीब हुआ। अब ये वाला देखना पड़ेगा भाई ये वाला कितना है, तो ये वाला कितना होगा, अगर ये 100 है तो ये होगा 90, ये होगा 80 और ये वाला 70, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 270 कड़ी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलिए समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हर चीज़ हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना, 100 कड़ी, कितना है 100 कड़ी। अब जैसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात करेंगे तो कितना हो जाता है, 110 कड़ी, यहाँ से अगर यहाँ तक बात करेंगे तो जाता है 120 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे 130 कड़ी, 140 कड़ी, 150 कड़ी, 160, 170, 180, 190 और यहाँ जा करके 200 कड़ी हो जाता है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 200 कड़ी हुआ। देखिए आप देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं, इतना हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये तो कन्फर्म है कि अगर यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है और इसको शून्य में मिला दिया गया है और टोटल जो रो है अगर 10 रो है तो 10 कड़ी क्या होगा, घटेगा।
क्लियर। अब अगर आप यहां से लेते हैं तो यहां से यहां तक होगा 200 कड़ी, कितना होगा 200 कड़ी, मतलब दो जरीब। और अगर यहां से लेते हैं पूरा यहां तक तो 210 कड़ी होगा, 220 कड़ी होगा, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 200, मतलब कि 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 कड़ी हो जाएगा। देख सकते हैं यहां से यहां 100 कड़ी, 200 कड़ी, 300 कड़ी, 300 कड़ी हुआ। क्लियर, समझ में आ रही है बात, एकदम आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके और इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि इधर से ही मापी उठाइए, इधर से भी देख सकते हैं कि मान के चलिए कि हमको मापी करने पर प्राप्त हुआ ये वाला माप लेते हैं, चलिए ये वाला, अब इतना चौड़ा प्राप्त हुआ हमको, देखिए ये वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर मापते हैं तो कितना आया, ये इतना आया। अब इस प्रकार को क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे मिला करके कहाँ आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इधर देखेंगे कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सबसे पहले ये वाला ले लेंगे हम, उधर वाला और इधर वाला, देखिए ये यहाँ आ रहा है, देख सकते हैं, पॉइंट दिला जा पिलाओ, पॉइंट 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 नहीं दिला रहा है भाई, देखिए ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं, ये यहाँ पर रख रहे हैं और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है एकदम तुरंत आप जान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी, 200, 300, 400, 500, अब ये वाला कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो 500 कड़ी है क्योंकि यहाँ पर पाँच खंड है, हर खंड 100 कड़ी का होता है। अब देखेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक 10 कड़ी बढ़ा, 10 कड़ी हुआ, 20 कड़ी, 30 कड़ी, 30 कड़ी यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक 500 और यहाँ 30 कड़ी, मतलब कि टोटल कितना है उसका लंबाई 530 कड़ी है। तो आप तुरंत मापी कर सकते हैं, इससे एग्जैक्ट मापी होता है, बहुत अच्छा मापी होता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात, हाँ। अब देखिए अगर इसका लंबाई, इसका लंबाई 6 इंच का होता है और इसको अगर तीन बराबर खंडों में बांटा गया है, तीन बराबर खंडों में बांटा गया है तो हर खंड कितना इंच का है, 2 इंच का है, हर खंड 2 इंच का है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 जरीब हो गया, यानी 20 जरीब हुआ, यहाँ से यहाँ तक भी 10 जरीब, तो टोटल हम एक डायगोनल स्केल से 30 जरीब तक का मापी कर सकते हैं, 30 जरीब तक का मापी कर सकते हैं, किससे, डायगोनल स्केल से, क्योंकि इसका लंबाई 6 इंच होता है, कितना होता है 6 इंच होता है। क्लियर, और ये किस पैमाना पर बना होता है, 16 इंच बराबर 1 मील पर, ये हम आपको बता चुके हैं, 16 इंच नक्शा में 1 मील जमीन पर, यानी कि 80 जरीब जमीन पर। क्लियर, ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम डायगोनल स्केल का प्रयोग करेंगे, कोई एक और नक्शा उठाते हैं, चलिए ये तालाब है, ये तालाब है, अब इधर वाला छोर को हमको मापी करना है, देखते हैं भाई कितना है, चलिए इतना आया, कितना आया इतना। अब इसी प्रकार को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं और ले जाएंगे डायगोनल स्केल पर और मिला करके देखेंगे कहाँ पर आता है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके अब देखते हैं कहाँ पर मिलाने पर आता है, ये एक वाला लेते हैं, अगर एक वाला लेंगे तो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पर मिला, ये दोनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में जाकर मिला। अब क्या हुआ, ये वाला एक खंड तो भाई एकदम 100 कड़ी का है, कन्फर्म है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना कड़ी है ये कैसे देखेंगे, यहाँ से यहाँ 100 कड़ी, यहाँ ये 90 हो गया, यहाँ कितना हो गया 80 हो गया, अब ये वाला कितना होगा 70, यहाँ से यहाँ तक 100 और ये वाला 70, मतलब कि 170 कड़ी लंबा है। तो तुरंत हम प्रकार की मदद से क्या करेंगे, नक्शा में जाके इसको मापेंगे, पहले नक्शा में देखेंगे भाई कहाँ से कहाँ तक मापी कर रहे हैं, डायगोनल स्केल में उसको क्या करेंगे हम मिलाएंगे, देखेंगे कहाँ पर मिलता है, और प्रकार को आप सही से रख करके भी मापी कर सकते हैं, ठीक है, एकदम घिस घिस करके मापी कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकली बता देते हैं और प्रैक्टिकली बता करके वहीं पर वीडियो हम समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा डायगोनल स्केल के विषय में। क्लियर, तो चलिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे पास तीन यंत्र है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है डायगोनल स्केल जो अभी हम आपको बता रहे थे, और ये दूसरा है प्रकाल, और ये सबसे प्रमुख यंत्र जिसका नाम क्या है, गुनिया। अब देखिए यहाँ पर बता रहे थे डायगोनल स्केल के विषय में, हम आपको बताए थे कि यहां से लेकर के देखिए ये यहां से लेकर यहां तक होता है 2 इंच, कितना इंच का होता है 2 इंच, ये गुनिया भी कितना का है 2 इंच का है। अब मिला करके देखने की भाई ये एक्चुअल है कि भाई गड़बड़ है कुछ, देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो छोर है गुनिया का, ये वाला जो पहला लाइन है और ये डायगोनल स्केल का जो पहला लाइन है जीरो वाला, वो वाला मिलाइए एकदम सही से, और यहां पर देखिए एकदम लग रहा है 2 इंच पूरा परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, जरा सा भी 19-20 नहीं है। तो हम आपको यही चीज बता रहे थे, तो देखिये इधर वाला है 50-0 गुनिया और ये वाला जो है इधर वाला है ये 50-0 गुनिया और ये वाला 25-0 गुनिया है, जिसमें हर 20 कड़ी का आप देख सकते हैं मिला करके। यहाँ देखिए देखिए इधर जो 20-20 कड़ी का जो आपको गुनिया में दिख रहा है, वही चीज आपको डायगोनल स्केल में दिखेगा, हर खंड 20 कड़ी का। क्लियर, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप चाहें तो डायगोनल स्केल से गुनिया का भी काम कर सकते हैं, ये गुनिया के जैसा ही व्यवहार करता है। हम आपको बता रहे थे ये वाला चीज के विषय में, जैसे कि मान के चलिए कैसे प्रयोग करेंगे, हालांकि यहां से लेकर के यहां तक 30 जरीब होता है, कितना जरीब 30 जरीब,
तो यहां से यहां तक 10 जरीब होगा, यहां से यहां 10 जरीब, 20 जरीब, यहां से यहां 30 जरीब, ये सारा चीज आपको बताए हैं। हम यहां थोड़ा प्रैक्टिकली हम माप करके बताएंगे कि कैसे मापा जाता है। चलिए हम ये वाला प्लॉट लेते हैं और इस प्लॉट को देखते हैं। हालांकि मेरे पास नक्शा भी है, लेकिन हम इसी तरह भी इस वीडियो में बना रहे हैं, नक्शा को भी दिखाएंगे, जिसमें आपको नक्शा के विषय में पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे उस समय। क्लियर? तो देखिए, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर, जमीन के इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को हम लेते हैं। देखिए, प्रकार की मदद से माप लिए। अब क्या करेंगे, इस प्रकार को उसी तरह से उठाएंगे और डायगोनल स्केल पर ले जाएंगे और देखेंगे कि भाई कहां पर यह जाकर मिलता है, कहां पर यह जाकर मिलता है। देखिए, इसको खिसकाइए खिसकाइए, देखिए ये इसी तरह खिसकाना है। ठीक है, इसी पर रख करके प्रकार खिसकाना है। ये जो नोक है ज्यादा नुकीला होना चाहिए, मेरे वाला जो प्रकार है ये नुकीला नहीं है, नुकीला करना होगा। तो ऐसे करके खिसकाना है और देखना है कि ये वाला इधर वाला जो है नोक कहां पर जाकर के सीधा लाइन पर मिलता है और खिसकेगा। ठीक है, और खिसकाइए और खिसकाइए। देखिए, ये यहां पर आया, ये यहां पर भी नहीं मिला है, हल्का सा दूर जाएंगे, देखिए यहां पर मिला है। मतलब कि अब देखिए, यहां से लेकर के ये वाला देख रहे हैं और यहां एक जरीब हुआ, दो जरीब, तीन जरीब, चार जरीब, पांच जरीब, पांच जरीब, और ये वाला कितना कड़ी है वो देखना पड़ेगा। तो यहां तो 100 कड़ी है ऊपर वाला, फिर 90 कड़ी, 80 कड़ी, फिर 70 कड़ी, फिर कितना हो जाए 60 कड़ी। लेकिन 60 कड़ी में नहीं है, 60 कड़ी से बीचों बीच है, 60 और 50 के बीच में है, मतलब कि 55 कड़ी है। और इधर कितना है, एक जरीब, दो, तीन, चार, पांच जरीब, 55 कड़ी, मतलब कि 555 कड़ी है। अब इसको क्या करेंगे, हम 555 कड़ी, इसका जो लंबाई है 555 कड़ी लिख देंगे। क्लियर? फिर अगर इसको मापना है इधर वाला, तो इधर वाला भी इसी तरह करेंगे, देखेंगे भाई कहां पर आता है, ऐसे करके रख लेंगे। ठीक है, पूरा एकदम बारीकी के साथ नक्शा में, एकदम बारीकी के साथ रखा जाता है, पॉइंट पॉइंट का चर्चा किया जाता है। अब इसी चीज को उठा करके ले जाएंगे कहां पर, डायगोनल स्केल पर। अब इसको यहां पर जो जीरो वाला देख रहे हैं उसी पर रख करके खिसकाना है, या फिर यहां पर ये वाला जीरो रख करके इधर से खिसकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहां से रख कर खिसका से देखते हैं कहां पर जाकर के मिलता है। ये वाला देखेंगे कहां पर जाकर मिल रहा है, ये इसमें हम सीधा खिसकाएंगे। ठीक है, इस प्रकार को सीधा ऐसे खिसकाना है, खिसकाते खिसकाते जाएंगे, देखते हैं कहां पर जाकर मिलता है। तो देखिए, ये यहां पर मिला, कहां पर मिला, इस पॉइंट पर मिला। अब अगर इस पॉइंट पर मिला और ये वाला अगर सीधा में मिल रहा है, तो देखिए भाई यहां से यहां 100 कड़ी, 200, 300, 400 कड़ी, 500, 600, 700 कड़ी। अब यहां पर एक कितना है, 10 कड़ी, नीचे जाएंगे ऊपर 10 कड़ी, 20 कड़ी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 और इधर 20, कितना हो जाएगा 720 कड़ी। मतलब ये वाला जो लंबाई है, ये वाला कितना हो जाएगा, 720 कड़ी होगा। क्लियर? आप यूनिट भी लिख सकते हैं कड़ी कड़ी, हालांकि हम कड़ी में माप रहे हैं, हमको ध्यान है, इसीलिए कड़ी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो इस तरह करके मापिए। फिर ये वाला भी इसी तरह से आप माप सकते हैं, प्रकार की यहाँ नोक, दोनों नोक लगाइए, फिर यहाँ पर ले जाइए डायगोनल स्केल में, देखिए कहां पर आ रहा है। क्लियर? अगर आपको बीचों बीच प्राप्त होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि वहां पर 5 कड़ी का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए, एक कड़ी मतलब कि एक यहां पर जो रो है बढ़ने पर 10 कड़ी का डिफरेंस होता है। अगर बीच में ही आ रहा है तो 5 कड़ी लेंगे, और उसके भी बीच में आ रहा है तो 2.5 कड़ी लेंगे। क्लियर? तो एग्जैक्ट मापी भी किया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रयोग किया जाता है इस डायगोनल स्केल का। ठीक है, और भी बातें आपको बताएंगे बाद में, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।